वैसे मैं रहने वाला इलाहाबाद जिले का हूँ। मैं सोचता नहीं जिंदगी में, जिंदगी में जो आता है वो करते रहता हूँ। कुछ सवाल पूछेंगे सर? मेरा सवाल कुछ नॉलेज बेस्ड पे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्रीमबेल जो कंपनी जिससे आपने ज्वाइंट किया है ये किस बेसिस पे काम करती है, आपको कितना माल दिया जाता है, कितना आपको प्रॉफिट होता है, क्या आपकी सैलरी है? इसमें सैलरी नहीं है सर। हाँ हमको इसको मतलब जितना हम सेल करेंगे हाँ जी उसके ऊपर कमीशन है। ठीक है। हाँ आपका 15% है, 100 का 15 यानी 15 रुपए। तो आप इस एरिया के हिसाब से दिन में कितना सेल कर लेते हैं? इसमें तो सर ज्यादा सेल नहीं हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली लगभग बता दीजिए 1000-1200 का कर लेते हैं आप। जी सर। तो 1000-1200 के हिसाब से आपका दिन में कितना बन जाता है? रुको रुको फिर से पूछना। हम करीब 200 फिर से यही सवाल पूछना। अच्छा अच्छा यही बात आप फिर से नहीं तुम पूछो फिर से। ये जो आपने क्रीमबेल से किया, पहले तो आप ये बताइए क्रीमबेल की ये जो आप ये कार्ट लिए हैं साइकिल, ये उन्होंने खुद दी है आपको? हाँ, सब कंपनी का है। इसका कुछ सिक्योरिटी लिया आपसे? क्या लिया आपसे? सिक्योरिटी कुछ नहीं है, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर। किसी को ज्वाइन करना होगा इसका ऑफिस कहाँ है? इसका ऑफिस ये जस्ट मकड़ी खेड़ा। हाँ। सीएनजी पंप है। हाँ। जस्ट उसके सामने भूई सिंह बाबा मंदिर है। हाँ। जस्ट उसके सामने जाएंगे आप तो वहाँ है इसका। जाने पर आप अपना कोई भी कभी भी जा सकता है? कभी भी, यानी ये आपको एक गाड़ी 10 बजे से रात को करीब 2 बजे। 100 रुपए की सेल पे 15% कमीशन। 100 रुपए। ठीक है, 15 रुपए मिले। अगर आपको ये प्रोडक्ट आपने दिन भर में बेचा उसमें से बच गया आपका सामान तो वो क्या करते हैं आप? इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वापस नहीं। हाँ। ये क्या होता है, चार्जिंग सिस्टम है, ले गए चार्जिंग। हाँ। लग गई। हाँ। आपका माल इसमें सेफ रहेगा। कितने दिन तक के ये इसका डेट? 1 साल एक्सपायरी रहता है सर। ये जितनी भी आइसक्रीम है 1 साल तक बेच सकते हो? 1 साल तक बेच सकते हो सारी आइसक्रीम है? सारी आइसक्रीम जितनी कोई भी कंपनी की। अच्छा ठीक है, जैसे अभी हमने एक आम, इसकी फेमस आइसक्रीम है ये आम वाली, सचमुच आम। हाँ हाँ जी सर। उसका जरा रहन दीजिए निकालने को, वो 30 रुपए की है ना? नहीं 25। तो इसमें कंपनी का कितना लागत होगी आपको बता सकते हैं आप? नहीं सर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ इतना नॉलेज है, मुझे इतना पसंद मिलता है ये चीज़, इतना एमआरपी है इसका। तो एक हिसाब से अगर इस कार्ड को कोई बंदा लगाता है 10 घंटे तो 350-400 रुपये तक निकाल सकता है आम दिनों में। हाँ अगर 10 घंटे आप करीब मेहनत कर दोगे। हाँ हाँ तो 300-400 आप कमा सकते हैं। और अगर फेस्टिवल है तो 1000-1000 तक पहुँच सकता है। हाँ वो तो भाई। और दूसरा आप ये बताइए, आप यहाँ खड़े हैं, कोई घंटा घर में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, तो ये दादागिरी पे होता है कि मेरा एरिया की कहीं भी खड़े हो जाओ? कहीं भी नहीं होता है, जैसे कि इसका एरिया होता है। हाँ। कि हम मतलब जैसे हम क्रीमबेल की एजेंसी लिए हैं। हाँ। तो हम इसे गुरुदेव हो गया, क्या कहते हैं करबला हो गया, इधर अपना एरिया क्रॉस नहीं कर सकते आप? हाँ इतने एरिया में आपको मिलेगा, पहले कंपनी आपको बता देगी कि आपका 10 गाड़ी उतर रही है, आप 10 गाड़ी की एजेंसी ले रहे हैं तो आपको इतने एरिया में रहना है। अच्छा अच्छा इतने एरिया में आपको मतलब आपकी इतने 10 गाड़ी बिछाना मतलब लगाना है। इस पे आपको सैलरी कुछ नहीं, बिल्कुल 0% होली दिवाली पे कुछ आपको प्रॉफिट देते हैं ये लोग? होली दिवाली में सर वही मतलब कि बोनस वोनस मिल जाता है। कितना बोनस देते हैं? यही करीब 5-6 हजार रुपया, 10 हजार। अच्छा अच्छा ठीक है। सेलिंग रहता है अपना, हम लोग जैसे साल भर में मेहनत करते हैं कि हमने 2-3 लाख बेचा उस पे परसेंटेज आता है 2000। मान लीजिए आप 5-6 साल या 10 साल इस कंपनी से जुड़े हैं बेच रहे हैं, तो इसमें प्रमोशन का भी कुछ है कि वो अपनी कंपनी में कोई बाबू वाबू बना दें या कुछ? नहीं, सिर्फ आप यही काम करते रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई करता ही नहीं होगा। हाँ ये है कि मतलब आप अगर इसके बारे में नॉलेज कर लिए या आप मतलब वो कर लिए, आपके पास 2.5-2 लाख रुपया हो आप लगा सकते, उसके बाद हम भी ऐसे चला सकते हैं गाड़ी। अच्छा हम भी एजेंसी उतरवा सकते हैं। अच्छा अच्छा एजेंसी ऐसा हो सकता है, आप इसका एजेंसी फिर ले सकते हैं? हाँ खुद एजेंसी ले सकते हैं सर। धन्यवाद, आप अपने सवाल जवाब। मैं ये पूछ रहा था आपसे।